हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एमडी टॉकीज। अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके एंड इसके बगल पे बेल आइकन पे उस पर क्लिक कीजिए। इससे यही होगा कि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। हाय फ्रेंड्स, आज मैं बताऊँगा कि आप अपना PF अकाउंट कैसे लॉग इन कर सकते हैं। सबसे पहले आप ब्राउज़र ओपन कीजिए, यहाँ पर टाइप कीजिए www.unifiedmemberportal। इस टाइप का पेज आएगा, मेंबर होम पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा, EPFO पेज। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप अपना UN नंबर डालिए और नीचे में पासवर्ड। अगर पासवर्ड आपको नहीं पता तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके रिसीव भी कर सकते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा फॉरगेट पासवर्ड करके पासवर्ड कैसे क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे कैप्चा डालिए जो आपको कैप्चा दिया हुआ है। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए UN कार्ड देख सकते हैं आप अपना पे क्लिक करके। ये आपका UN कार्ड डाउनलोड हो रहा है। इस तरह आप अपना UN कार्ड देख सकते हैं। आप अपना डिटेल देख सकते हैं, मोबाइल आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हैं आप। देखिए ब्लू पे क्लिक करके यहाँ पे आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपका डिटेल, PF नंबर सब शो कर देगा। ब्लू पे क्लिक करके प्रोफाइल पे क्लिक करके आप ये सारा देख सकते हैं। आपको PF का पासबुक देने के लिए आप ये साइट में जाके आप अपना लॉगिन है फिर से लॉगिन करके देख सकते हैं PF पासबुक। यहाँ से आप अपना ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं और मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरा मोबाइल न्यू लिए वो आप PF में अटैच कराना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। मैनेज पे जाके आप कर सकते हैं, मैनेज ऑप्शन पे जाके। यहाँ पे आपके ऐड KYC कुछ भी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, KYC अपना ऐड कर सकते हैं यहाँ पे।
अगर आपको क्लेम भी करना है तो यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन पे जाके आप PF क्लेम भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपका प्रॉब्लम का सलूशन जरूर।